पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पहले चरण के चुनाव में जब जीतन राम मांझी गया से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कही थी और बहुत सारी बातों को पचा लिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीतन राम मांझी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो काफ़ी फेमस भी हैं। जिस राम को उन्होंने काल्पनिक बताया था, जिस रामायण पर उनका प्रहार था, उसी राम और रामायण के आशीर्वाद के बाद उन्होंने अपना नामांकन किया था। आपको याद होगा कि सीट शेयरिंग के समझौता होने के साथ ही जीतन राम मांझी के सुर और स्वर दोनों बदल गए थे और जीतन राम मांझी ने सनातन पर अपनी बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान देने शुरू कर दिए थे। जीतन राम मांझी, पहले कहा जा रहा था कि उनके पुत्र चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी अपने जीवन की शायद हो सकती है कि अंतिम पारी लड़ रहे हों और उनको ये कॉन्फिडेंस भी है कि वो चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद वो केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब से लेकर के अब तक उन्होंने कई ऐसी बातें कही है जो सपना था उसे पूरा करने की बात भी वो लगातार कहते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा कि कई ऐसे उतार चढ़ाव भी आए इनके जीवन में। एक तरफ जहां उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जो अपनी दोस्ती थी उसे बीच में ही तोड़ा और ये कहते हुए तोड़ा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि वो अपनी पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में कर ले, लेकिन ऐसा वो करना नहीं चाहते हैं। अपने आइडेंटिटी के साथ वो चुनाव में आगे की राजनीति और रणनीति करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। उनके पुत्र इस्तीफा भी दे दिए थे मंत्रिमंडल से और एक बार फिर से जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए उससे पहले जीतन राम मांझी एनडीए में चले गए थे। हमने आपको तब भी बताया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतन राम मांझी एक सोची समझी रणनीति और नीतीश कुमार के साथ दिखावा कर रहे हों दुश्मनी का और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके एक बार फिर से नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता तैयार कर रहे हों। खैर, इन सारी बातों के साथ अब एक नई रणनीति शुरू हो गई है और रणनीति यह है कि जब से चुनावी मैदान में उतरे हैं जीतन राम मांझी तब से उन्होंने अपने मुँह पर जैसे टेप चिपका लिया है, लेकिन आज लंबे समय के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी। आज आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर जब जीतन राम मांझी पहुंचे तो पत्रकारों का जमावड़ा लगा हुआ था। पहले तो उनसे बहुत खोद पूछा जाने लगा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, जो वर्तमान स्थिति है उसमें क्या कहना चाहते हैं, दो चरण के चुनाव हो गए हैं उसके परिणाम किस पक्ष में जा सकते हैं, तीसरे चरण से लेकर के अंतिम सातवें चरण तक क्या होगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने इन सारी बातों को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए अपनी बातों पर, अपने जुबान पर लगाम लगा के रखा। लेकिन जैसे ही आरएसएस का सवाल सामने आया, आरएसएस के सवाल पर जीतन राम मांझी अपने आप को रोक नहीं पाए। पत्रकारों ने कई बार सवाल किया, कई बार पूछा कि आरएसएस का रंग आप पर चढ़ गया है, ये तेजस्वी यादव का आप पर एक बड़ा आरोप है, आप इस पर क्या कहेंगे। जीतन राम मांझी ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। पहले तो वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और जो बात कही वो आप खुद सुन लीजिए। क्या कहा जीतन राम मांझी ने आरएसएस के सवाल पर। कहा जा रहा है कि आप पे आरएसएस का रंग चढ़ गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।